डिफरेंशियल सिस्टम है जो ट्रकों पे गाड़ियों पे होता है। एक्चुअली ये बैलेंस बनाने के होता है, जब गाड़ी मोड़ पे मुड़ती है तो जो दोनों भी जो दोनों की एवरेज वेलोसिटी होती है वो अलग अलग होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम लगाते हैं उसे बोलते हैं डिफरेंशियल सिस्टम। तो वो उसी का ये प्रोटोटाइप है, ये इसकी स्टीयरिंग व्हील। This slapping machine, or we can also call it a fan. And what we do, we rotate this gear, and it is moving in a linear motion by sideways. जैसे ही उसको रोटेट करोगे ये लेफ्ट टू राइट जाए तो सेम टाइम पर साइमल्टेनियसली आपको फैन घूमता रहेगा। ये एक 3D बुक है और उसको खोलने से एक चैनल बनता है, और उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आई थी, बट उसमें मेन था कि एम को स्टेबल रखना है। तो हमने एक रॉड उसको यूज किया और तब भी एक प्रॉब्लम आई थी, जब ये जो है ये मूव कर रहा था तो ये तब भी स्टेबल नहीं होता, ये मिडल भी नहीं रह रहा। तो फिर भैया ने एक आइडिया दिया और इसे ये लगाया जिससे कि ये लेना हुआ। How it works, it's like suitcase, we have to hold from here and it gets rotated from this side and come on your neck. And you can start flying. मैं वो कार बनानी थी जो पॉलीगन का ट्रेस करेगा पाथ। एक्चुअली पूरी बनी नहीं, मेन प्रॉब्लम ये थी कि हमें समझ नहीं रहा था हम मैकेनिज्म कैसे डिसाइड करें। तो बेसिकली हमने एंड में क्या डिसाइड किया कि जब पीछे वाले व्हील्स घूमेंगे तो ये जो ऊपर का स्टिक है ये आगे हिट करेगा, एंड आगे के व्हील को मूवेबल बनाया था एंड वो पीरियोडिकली हिट करेगा तो टर्न होगा। जस्ट एक चीज़ थी कि हम स्प्रिंग सिस्टम नहीं लगा पाए, उसके लिए टाइम नहीं था। माइल्स भैया ने एडवाइस किया था बट हमारे पास टाइम नहीं बचा था उसके लिए। सो बेसिकली आप देख सकते हो चलेगी तो नहीं, बट सिंस जब वो हिट करेगा तो आगे वाले व्हील मूव होते हैं। बट वो कंप्लीट तो नहीं हुआ, लाइक फ्रेम बनाने और अंदर क्या करना है डिसाइड करने में टाइम बीत गया। लास्ट टाइम कुछ ट्राई कर रहे थे तो लास्ट से ही फिर रियलाइज़ हुआ कि ये एक अच्छा बेसिक प्रोटोटाइप होगा, वो जो आयरन मैन का जो नहीं बनाया जो डायमीटर पे लेके तो सर्कल वो जो डायमीटर पे जो पॉइंट उसका प्रोजेक्शन होता है वो एक साइन का फंक्शन होता है।
लेकिन एक बार जब डिस्कस करके शुरू हुआ उसमें क्या था कि एक बार काम शुरू करना था, फिर सोच रहा नहीं था आगे क्या करना है, फिर सिर्फ शुरू ही करना था, फिर आगे तो वो एक एक स्टेप खत्म होता है, बाद में वो एक एक स्टेप जुड़ता ही जाता है। जब स्टार्टिंग में आए थे सो वी डिडंट एक्चुअली नो कि क्या करना है, एंड आपका आइडिया बहुत इनोवेटिव था दैट यू वर नॉट गोइंग टू टेल अस एनीथिंग एंड वी हैड टू डू एवरीथिंग ऑन आवर ओन, सो वी स्टार्टेड इट फ्रॉम द बिट्स एंड पीसेस। बिना मॉडल के भी काफी लोगों ने काफी अच्छा बना लिया सोच सोच के, दैट इज मोस्ट चैलेंजिंग एंड मोस्ट ऑफ अस डिड इट, सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट। थोड़े सेशन थोड़े सही है इसके, क्योंकि ऐसे जरूरी है कि मतलब दिमाग मतलब अलग करो पढ़ाई से। So, like, I enjoyed it a lot. इंजीनियर वाली इंजीनियर इंजीनियर वाली इंजीनियर